गंगा जो कि टोटल लेंथ 25-25 किलोमीटर है और नेशनल रिवर इसको 2008 में मिला था और गंगा डॉल्फिन नेशनल वाटर एनिमल बना था 2009 में। तो इस सतोपोत ग्लेशियर से एक साइड में धौली गंगा निकलती है और एक साइड में बद्रीनाथ और दोनों जाकर मिलती है विष्णु गंगा में, विष्णु प्रयाग में। विष्णु गंगा और धौली गंगा मिलती है विष्णु प्रयाग, वहाँ से फिर अलकनंदा रिवर निकलती है, मतलब आगे अलकनंदा रिवर बन जाता है और अलकनंदा नंदाकिनी से मिलकर नंद प्रयाग बनाता है। फिर अलकनंदा आगे पिंडार से मिलकर कर्ण प्रयाग बनाता है, कर्ण प्रयाग। फिर अलकनंदा फिर भागीरथी से मिलके, जो कि कहाँ से आ रहा है, भागीरथी आपका सॉरी ये रुद्रप्रयाग बनाएगी पहले, ये अलकनंदा मंदाकिनी से मिलकर, और मंदाकिनी कहाँ से आ रहा है, केदारनाथ से आ रहा है, आ रही है, और अलकनंदा भागीरथी से मिलके जो कि गंगोत्री से आ रही है उससे मिलके देवप्रयाग में मिलती है। गोविंद प्रयाग में क्या होता है, भील गंगा और भागीरथी रिवर मिलती है। अब देखिए गंगोत्री से निकली आपकी विष्णु गंगा, विष्णु गंगा गोमुख में के बाद भागीरथी कहलाने लगी, भागीरथी कहलाते कहलाते यहाँ पे मिली गोविंद प्रयाग में, ये मिल गई ये भील गंगा से। उसके जस्ट आगे तिहरी डैम है, स्वामी रामतीर्थ डैम है, उत्तराखंड में है ये, और रुद्रदेव प्रयाग के बाद ये रिवर गंगा कहलाती है और हरिद्वार से यहाँ प्लेन एरिया में एंट्री करती है। प्रयाग में ये यमुना से मिलती है, पटना के मनेर में मनेर पटना में सोनप से मिल जाती है, फिर आगे जाके ये हुगली से भी मिल, हुगली मतलब डिवाइड करके हुगली बन जाता है एक, और यमुना से मिलती है जो कि ब्रह्मपुत्र का बांग्लादेश में नाम है, और बाद में मेघना कहलाती है, और फाइनली ये बे बंगाल में चली जाती है। फरक्का डैम है वेस्ट बंगाल में बना हुआ, और पद्मा इसको बोला जाता है बांग्लादेश में, जमुना ब्रह्मपुत्रा को जमुना बोला जाता है, और दोनों मिलते हैं उसके मेघना कहलाते हैं।